तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अपने कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके बहुत ही आसानी तरीके से किसी भी फोल्डर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एक और ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक में ही मल्टीपल फोल्डर्स को बना सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ एक क्लिक में ही बहुत सारे फोल्डर्स को बना सकते हैं। तो गाइस, अगर आप भी उस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल एसके टेक्निकल में। तो गाइस, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके किसी भी फोल्डर को कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। तो कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे रन बॉक्स में आपको टाइप करना है CMD। ये लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा कमांड प्रॉम्प्ट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो इसे हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। तो गाइस, जो फोल्डर हम बनाने वाले हैं वो अभी हम अपने डेस्कटॉप पर बनाने वाले हैं। तो इसलिए हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे पहले डेस्कटॉप पर आएंगे। तो डेस्कटॉप पर आने के लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है CD, उसके बाद स्पेस, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है डेस्कटॉप। ये लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में डेस्कटॉप पर आ जाओगे। और डेस्कटॉप पर आने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है MD स्पेस, उसके बाद आप जिस भी नाम से अपना फोल्डर बनाना चाहते हैं तो आपको उस फोल्डर के नाम को यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं folder1, उसके बाद यहाँ पे आप लिख देते हैं folder2, उसके बाद यहाँ पे आप लिख देते हैं folder3। तो फ्रेंड्स, फोल्डर के नाम लिखने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो साइड में यहाँ पे डेस्कटॉप पर आप देख सकते हैं कि जो भी हमने फोल्डर बनाया था वो यहाँ पे बनके तैयार हो चुका है। और फ्रेंड्स, अगर आपको इन सभी फोल्डर में से किसी भी फोल्डर को डिलीट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है RMDIR, उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देना है। उसके बाद आपको जिस भी फोल्डर को डिलीट करना है तो आपको उस फोल्डर के नाम को यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं folder1, folder2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये लिख दिया है। उसके बाद आपको एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे यहाँ पे आप एंटर प्रेस करते हैं तो डेस्कटॉप पर यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने फोल्डर यहाँ पे लिखे हैं वो सारे यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके बहुत ही आसानी तरीके से किसी भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं उस ट्रिक की जिसका यूज करके आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक में बहुत सारे मल्टीपल फोल्डर्स बना सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नोटपैड को ओपन करना है। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन को प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है नोटपैड। ये लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करते हैं तो जो आपका नोटपैड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आपको नोटपैड में लिखना है @eco, फिर इसके बाद आपको स्पेस देना है और यहाँ पे आपको लिखना है OFF। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको रेशियो वाला साइन लगाना है, जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये रेशियो वाला साइन है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है TOP। ये लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है MD स्पेस, उसके बाद आपको परसेंटेज का साइन लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है रैंडम। और रैंडम लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको फिर से परसेंटेज का साइन यहाँ पे लगा देना है और यहाँ पे आपको एंटर प्रेस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है Go To, उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस देना है और यहाँ पे आपको टॉप लिख देना है फिर से। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक छोटे से कोड को यहाँ पे लिख दिया है और आपको सेम इसी एग्जैक्ट कोड को अपने नोटपैड में लिखना है। और यहाँ पे आपको स्पेलिंग का थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करना है। और ये लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे सेव कर देना है। तो सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+S बटन को प्रेस करना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको इस फाइल को अपने डेस्कटॉप पर सेव नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे अपने डेस्कटॉप पर सेव करेंगे तो आपके डेस्कटॉप पर बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट हो जाएंगे और उसे आपको डिलीट करने में थोड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। तो इसे आपको अपने डेस्कटॉप पर सेव नहीं करना है। तो चलिए, अब हम यहाँ पे इसे सेव कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे डेस्कटॉप पर आते हैं और डेस्कटॉप के अंदर जो फोल्डर्स हैं उनमें हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे folder3 नाम का एक फोल्डर है। तो हम अपनी फाइल इस फोल्डर में हम सेव करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे इसे ओपन कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको उस फाइल का यहाँ पे नाम दे देना है।
तो यहाँ पे हम नाम देते हैं फाइल वन, और ये लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको लिखना है डॉट बी ए टी, और ये जो डॉट बी ए टी है फ्रेंड्स ये लिखना आपको बहुत ही जरूरी है, तो यहाँ पे आपको ये लिख देना है। और यहाँ पे जो नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आपको ऑल फाइल्स पे सिलेक्ट कर लेना है, और नीचे यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं एक इनकोडिंग का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ से अनसी को सिलेक्ट कर लेना है, और ये सब करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेव कर देना है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको क्लोज कर देना है, और उसके बाद आपने जिस भी फोल्डर में उसे सेव किया है तो आपको उस फोल्डर को यहाँ से ओपन कर लेना है। तो हमने उसे इस फोल्डर 3 नाम के फोल्डर में से सेव किया था, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो गाइस जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फोल्डर है यहाँ पे ओपन हो चुका है, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमने फाइल बनाई थी वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो यहाँ पे आपको इसे डबल क्लिक करना है, और फ्रेंड्स जैसे ही आप इस पे डबल क्लिक करते हैं तो जो आपके फोल्डर्स है वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको कुछ देर वेट करना है, तो यहाँ से हम इसे क्लोज कर देते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिंगल क्लिक में ही बहुत सारे फोल्डर्स यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये टोटल 32,767 फोल्डर्स को सिर्फ एक सिंगल क्लिक में ही बना सकता है। और फ्रेंड्स अगर आप अपने मन पसंद का नाम का फोल्डर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए जो हमने नोटपैड वाली फाइल को यहाँ पे सेव किया था उस पर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका नोटपैड है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, और जो यहाँ पे हमने कोड लिखे थे वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, तो आपको इन सारे कोड को यहाँ से रिमूव कर देना है। और फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे @ इको ऑफ है वो फ्रेंड्स यहीं पे रहेगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे लिखना है MD स्पेस, और उसके बाद यहाँ पे आपको जिस भी नाम का फोल्डर बनाना है आपको उस फोल्डर के नाम को यहाँ पे लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख देते हैं शनि, यहाँ पे हम कोमा दे देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं राम, उसके बाद यहाँ पे हम कोमा देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं श्याम, और ये लिखने के बाद फ्रेंड्स आपको इसे सेव कर लेना है। तो सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+S बटन को प्रेस करना है, तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको क्लोज कर देना है, और अब आपको इस फाइल पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक राम नाम का फोल्डर बन चुका है, और यहाँ पे एक शनि नाम का फोल्डर बन चुका है, और यहाँ पे एक श्याम नाम का भी फोल्डर बन चुका है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक में भी बहुत सारे मल्टीपल फोल्डर्स को बना सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी तरीके से। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, और इस वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए मेहमान आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि अगर मैं कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोरोना इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें SK टेक्निकल के साथ।